एसएससी स्टेनो 2022 के सभी स्टूडेंट फाइनल कट ऑफ को लेकर परेशान है कि भाई फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, आप सभी ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़ कि जिनका भी ग्रेड डी में सिलेक्शन हुआ है वो अपने ख्वाब मत पाले फाइनल सिलेक्शन के। आपका हुआ है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस आपको है कि भाई इतना आप स्कोर कर सकते हो तो 2023 में और बेहतर कर सकते हो, तो आप स्किल टेस्ट तो दो, एक एक्सपीरियंस काउंट होगा। साथ ही आप 2023 की प्रिपरेशन अभी से करने में लग जाओ। अभी से ही अगर आप करने लगोगे तो कहीं ना कहीं आप बाकी सभी स्टूडेंट से कुछ ना कुछ बेहतर जो है इस एक दो महीने में आप सभी कर लोगे, कि आपका रूल नियम बन जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में आपको ये पता चला कि भाई आपका ग्रेड सी में हुआ नहीं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जितने भी UR, EWS, OBC और SC कैटेगरी के, हाँ ST कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं उनका एक बार हो सकता है, क्योंकि ST कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो आपकी कहीं ना कहीं आपकी ग्रेड सी के जो, जिनके ग्रेड सी और ग्रेड डी के बीच का जो कट ऑफ के जिनके बीच में मार्क्स हैं उनका एक बार हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो चार कैटेगरी आपके मैंने बताई हैं, UR, OBC, EWS, SC, तो इनका तो ग्रेड डी वालों को नहीं होने वाला है। लेकिन ग्रेड सी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो सकता है, चांस है, ठीक है। क्योंकि यहां पर आपके जिस हिसाब से कैंडिडेट पास हुए 13,000 कुछ पास हुए हैं, अब कुछ लोग कहेंगे ग्रेड डी के सर मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा कैसे नहीं हो सकता है, स्किल टेस्ट में बहुत से कैंडिडेट पास नहीं होंगे ये वो। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1/4 बच्चा भी अगर आप मान लो ना ग्रेड सी का जितना पास हुए, फिर भी 3,000 के करीब बच्चा आता है, उसमें भी 1,000 कैंडिडेट बच रहे हैं, 3 × 12, बात समझ में आ रही है। तो ओवरऑल इस बार बहुत से स्टूडेंट ने स्कोर किया हुआ है, जिस हिसाब से कट ऑफ नीचे गई है स्कोर किया हुआ है। और ऐसा नहीं कि नहीं है कि भाई इनमें से अगर देखा जाए तो 75% बच्चा जो है वो CGL का, अगर 75% मान भी लो तो भी 25% आपका सीरियस एस्पिरेंट होंगे। तो इस वजह से मैं आपकी सहूलियत के लिए कह रहा हूँ कि ग्रेड डी वाले 2023 की प्रिपरेशन करें, स्किल देने जाएं, एक एक्सपीरियंस काउंट होगा, यहाँ से देखें कि क्या क्या चीज़ें अपने स्किल में, जब रिजल्ट आएगा स्किल का परसेंटेज ऑफ एरर आएंगी तो आपको पता चल जाएगा, तो वो एक एक्सपीरियंस आपका 23 के लिए रहेगा। लेकिन अभी 23 की प्रिपरेशन में लग जाओ। ग्रेड सी वाले जितने भी हैं, जितने भी जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं, सभी के अगर 135 के ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो अपने आपको सेफ मानो, क्योंकि 135 के ऊपर मार्क्स है तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन है वो आपका हो सकता है। लेकिन पूरी तरीके से कंफर्म तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं आ जाते, जो कि 25 जनवरी को आपके आ रहे हैं। उसी दिन मैं गूगल फॉर्म रिलीज करूंगा जिसमें नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने मार्क्स मैक्सिमम बढ़े हैं उस का भी पूरा मेंशन मैं पूरा कर दूंगा, जिससे पूरा एक जो लिस्ट है वो पूरा मेरे को मिल जाएगा और कहीं ना कहीं तब ये बताया जा सकेगा कि भाई आप में से कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके अगर इतने से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं हर पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो पूरी तरीके से कन्फर्म है। क्योंकि जब तक डेटा पूरी तरीके से नहीं मिलेगा तब तक ये सारी चीज़ें कहना बिल्कुल भी कठिन है, मतलब इतना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स पहले 25 को मार्क्स देखें कि आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके कितने हैं, कितने बढ़े हुए हैं, उसके बाद सभी एस्पिरेंट जो है वो अपने मार्क्स गूगल फॉर्म में मैं दे दूंगा, बता दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से आप चाहो तो उसका पूरा फिल करके अपने रिस्पॉन्सेस सबमिट कर सकते हो। लेकिन ग्रेड डी वाले तैयारी करने में लग जाओ, ज़्यादा ये सब पूछने के चक्कर मत रहो मेरा सिलेक्शन का कोई चांस है या नहीं है ये वो, ठीक है। बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली मैं आप सभी से कह रहा हूँ, ग्रेड सी वाले थोड़ा सीरियस होकर करें, और बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं आपके मार्क्स ग्रेड सी के बॉर्डर लाइन पे, तो आप भी प्रिपरेशन लग जाओ, ठीक है। मैंने एक क्राइटेरिया मोटा मोटा बता दिया, UR के लिए 135 के ऊपर, ठीक है।